नमस्कार, मैं रोज। ये वीडियो जीसस के सीरीज का फोर्थ पार्ट है। इस सीरीज को जिसने अभी तक नहीं देखा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जरूर देखें, और आप सभी से भी कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी का बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक टीचिंग है, और यही क्लियर नहीं होने की वजह से लोग नए नए टीचिंग जो बाइबल के विरुद्ध में जाकर फंस जाते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रिनिटी या ट्रायून गॉड। आखिर ट्रिनिटी है क्या? तीन गॉड मगर फिर भी एक करके काउंट करते हैं। जब तीन ही है तो तीन क्यों नहीं बोलते? अच्छा, तो क्या प्रूफ है कि तीन ही है? दो भी तो हो सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ही। बाइबल में कहीं भी ट्रिनिटी शब्द मेंशन नहीं है, तो क्यों लोगों ने इसे बाइबल का बेसिक टीचिंग कहा है? अगर मैं इस टॉपिक पर सवाल पूछना शुरू करती तो ये इतने हैं कि मेरे वीडियो सवाल से भर जाएंगे। Have patience, slowly, slowly आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब मैं आपको दे ही दूंगी। इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। खूब सारे बाइबल रेफरेंसेस होंगे। ये इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि बाइबल से आपको इस बात का प्रूफ दूंगी। वैसे ट्रिनिटी शब्द आपको बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा, मगर उसका आइडिया आपको पूरे बाइबल में जरूर मिलेगा। ट्रिनिटी का मतलब है ट्री यूनिटी या थ्री इन वननेस। गॉड में तीन व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र रूह, मगर वो सिर्फ एक है। कभी कभी लोगों को लगता है कि ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में है, ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं। अगर गॉड अनादि से तीन व्यक्तित्व में है तो पुराने नियम में इसका कोई इंडिकेशन, कोई संकेत क्यों नहीं? हालांकि ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन पुराने नियम में उतने स्पष्ट रूप से नहीं है, मगर बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो हमें ये दर्शाते हैं कि गॉड एग्जिस्ट एस मोर देन वन पर्सन। गॉड में एक से ज्यादा व्यक्तित्व है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। लेट अस मेक ह्यूमन बीइंग इन आवर इमेज टू बी लाइक अस। उत्पत्ति 3:22, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। उत्पत्ति 11:7, इसलिए आओ हम उतरकर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। कम लेट अस गो डाउन एंड कंफ्यूज द पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ हर जगह पर हम शब्द का उपयोग एक से ज्यादा व्यक्तित्व को दिखाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हम शब्द पुराने समय में खुद के संबोधन के लिए, जैसे राजा लोग कहते थे हम खुश हुए, ऐसे यूज हुआ है। मगर याद रखिए, ये वचन हिब्रू में लिखा गया है, और हिब्रू में ये शब्द का मीनिंग बहुवचन से है, ना कि खुद के संबोधन के लिए यूज हुए शब्द से। और स्पेशली हिब्रू के इस लिखावट के समय सम्राटों का दौर शुरू हुआ भी नहीं था, और इस शब्द का प्रयोग खुद के संबोधन के लिए कभी किया भी नहीं गया। फिर एक ग्रुप है जो ये कहते हैं कि यहाँ हम शब्द मदर गॉड और फादर गॉड के लिए यूज हुआ है। मदर गॉड वाला थियोरी बेबुनियाद है। उनके द्वारा यूज किए जाने वाले रेफरेंसेस डायरेक्टली उनके क्लेम को प्रूफ भी नहीं करते, मगर फिर भी लोग अंधों की तरह इस ग्रुप को फॉलो करते हैं। मैंने 1 साल पहले मदर गॉड के बारे में एक वीडियो बनाया था। एक्चुअल में तब मुझे उस ग्रुप के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। मैंने तो बस आप में से किसी एक के सवाल का जवाब देने के लिए बस यूं ही बनाया था। उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे समझ में आया कि ये गलत टीचिंग किस तरह से फैला हुआ है। मेरे वीडियोस में आप लोगों को कमेंट करने में इतना आलसपन होता है, मगर मदर गॉड वालों को बिल्कुल नहीं होता। मेरे अभी तक बनाए सारे वीडियोस में से सबसे ज्यादा कमेंट मुझे उसी वीडियो में आता है। करीबन 10 अच्छे कमेंट होंगे, बाकी सब गालियां, कर्स और ना जाने क्या क्या। एनीवेज, स्टिल आई एम टेलिंग, अगर कोई भी गलती से उस ग्रुप के टीचिंग को सुन रहा है तो प्लीज वहां से निकल जाए, वो बाइबल का टीचिंग है ही नहीं। चलिए वापस अपने टॉपिक में आते हैं। आइजिया 6:8, हुम शैल आई सेंड एंड हु विल गो फॉर अस। मैं किस को भेजू और हमारी ओर से कौन जाएगा। इस वचन में आप एक वचन मैं और बहुवचन हम दोनों ही पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई ऐसे वचन हैं जहां एक व्यक्तित्व को गॉड या द लॉर्ड और दूसरे व्यक्तित्व को भी गॉड कहा गया है, जैसे कि सैम्स 45:6-7, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन
सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा। ये एक व्यक्तित्व है जिसे परमेश्वर गॉड कहा गया है। फिर आगे पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने, यहाँ जो व्यक्तित्व है वो पहले व्यक्तित्व से अलग है, मगर उन्हें भी परमेश्वर गॉड शब्द से संबोधित किया गया है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने, तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया। गॉड योर गॉड हैज सेट यू अबव। इसी से मिलता जुलता एक और सैम्स है, भजन 110 का एक, जहाँ दाऊद कह रहे, द लॉर्ड सेट टू माय लॉर्ड, सिट एट माय राइट हैंड टिल आई मेक योर एनिमीज योर फुटस्टूल। यहाँ एक लॉर्ड ने दूसरे लॉर्ड से कहा। इस वचन के हिंदी ट्रांसलेशन में शायद ये आपको उतना क्लियर ना हो, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। यहाँ दाऊद क्लियरली दो सेपरेट व्यक्तित्व को लॉर्ड बोल रहे हैं, जिसमें से एक लॉर्ड गॉड द फादर है और दूसरे गॉड द सन है। जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो ये हमें क्लियर होता है, मगर नए नियम के बिना भी ये क्लियर है कि दाऊद को ये साफ था कि गॉड में एक से ज्यादा व्यक्तित्व है। ऐसे ही एक वचन है Isaiah 63:10, गॉड्स पीपल रिबल्ड एंड ग्रीव्ड हिज होली स्पिरिट। यहाँ पर भी गॉड और होली स्पिरिट को दो अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में आप देख सकते हैं। ऐसे ही Hosea 1:7, Malachi 3:1-2, Yeshaya 48:16 में भी गॉड के एक से ज्यादा व्यक्तित्व को आप देख पाएंगे। ये तो हुई पुराने नियम की बातें, और अब नया नियम। नए नियम का शुरुआत ही परमेश्वर के पुत्र का धरती पर आने के इतिहास से शुरू होता है। आगे थोड़ी गहराई में जाने से पहले आप लोगों को कुछ ऐसे वचन बताती हूँ जहाँ ट्रिनिटी के तीनों व्यक्तित्व का नाम साथ में लिखा हुआ है। Matthew 3:16-17, जीसस के बैप्टिज्म का सीन, बपतिस्मा के बाद जैसे ही मसीह यीशु जल में से बाहर आए उनके लिए स्वर्ग खोल दिया गया और यूहन्ना ने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए तथा यीशु पर ठहरते देखा। उसी समय स्वर्ग से एक शब्द सुना गया, यह मेरा पुत्र है, मेरा परम प्रिय, जिसमें मैं पूरी तरह प्रसन्न हूँ। ये एक ऐसा जगह है जहाँ हम ट्रिनिटी को एक साथ देखते हैं, और वो भी अलग अलग कार्य करते हुए। गॉड द फादर स्वर्ग से बात कर रहे हैं, गॉड द सन बपतिस्मा ले रहे हैं, और गॉड द होली स्पिरिट स्वर्ग से नीचे की ओर उतर यीशु पर आकर ठहरते हैं उनके आगे शुरू होने वाले मिनिस्ट्री में उनके साथ रहने के लिए। यीशु के इस धरती के मिनिस्ट्री के खत्म होते समय उन्होंने अपने शिष्यों से, अपने चेलों से कहा कि तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों व्यक्तित्व का स्थान एकदम इक्वल है। नॉर्मली हम देख पाएंगे कि नए नियम के लेखक जनरली गॉड, परमेश्वर शब्द गॉड द फादर के लिए, लॉर्ड प्रभु शब्द गॉड द सन के लिए यूज करते थे। 1 Corinthians 12:4-6 में आप ट्रिनिटी के इस कंसेप्ट को साफ देख पाएंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, सेवा भी कई प्रकार के परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। देखा आपने, तीनों व्यक्तित्व आत्मा, प्रभु और परमेश्वर एक है। ऐसे ही एक वचन है 2 Corinthians 13:14, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। नए नियम में ऐसे ढेर सारे वचन हैं जो परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। एक दो और उदाहरण देती हूँ, मैं इसलिए इतने सारे रेफरेंसेस ले रही हूँ ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए। Ephesians 4:4-6 में आप देख पाएंगे कि एक ही आत्मा, एक ही प्रभु और एक ही परमेश्वर। ऐसे Yahudah 1:20-21 में पवित्र आत्मा में प्रार्थना, परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया। ऐसे आप इन दोनों वचनों में भी परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व को साथ में देख पाएंगे। मैंने अभी तक आप लोगों को वचनों से ये प्रूफ किया कि गॉड में तीन व्यक्तित्व है। ये ट्रिनिटी का मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक की गहराई में लेकर जाऊंगी, एक साथ सब बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा और आप लोग एंड तक नहीं सुनोगे और मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी।
मैंने सिर्फ आप लोगों को आज इतना ही बताया कि गॉड में एक से ज्यादा व्यक्तित्व है, और जब हम पुराने और नए नियम को साथ में देखते हैं तो क्लियर होता है कि परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मैं इस सीरीज के अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि ऐसा है तो हम इन्हें तीन गॉड क्यों नहीं बोलते, क्यों एक ही गॉड बोलते हैं। मैं ट्रिनिटी के कंसेप्ट को आपको और भी डिटेल में क्लियर करूंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, बाइबल पढ़ते रहे, और ट्रिनिटी से जुड़ा आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सभी का आंसर तो शायद नहीं, मगर कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।